Corrupt the billions of stars in the galaxy. How much are suitable for life? कैसे करेंगे क्या? क्या होगा? बिलियंस में ऐसे नहीं आएगा. देखो सुनो, अब ये तो बात दोबारा से वैसे तो बता देता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी बताई आपको कि कभी भी किसी चीज़ का असाइनमेंट होता है तो पहले के चैप्टर को याद होना चाहिए. वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, तो वो ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है ना? और बताओ, और कुछ कुछ लग रहा है? स्टार्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? स्टार्स काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है? और वैसे काउंटेबल नाउन है स्टार्स, गिन नहीं सकते आप. अगर एक होता तो बता देते ना कि एक है आसमान में. आप गिन नहीं सकते, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन गिना तो जा सकता है ना. तो है ना, तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हाउ मैनी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ होगा, ठीक है? स्टार्स को हम लोग काउंटेबल नाउन में रखते हैं, अनकाउंटेबल में नहीं रखते. अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली. बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक सा रूल है. इज आएगा. और किसे कुछ लग रहा है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अ फ्यू बॉय होना चाहिए या अ फ्यू बॉयज होना चाहिए? हाँ, क्योंकि फ्यू एक से ज्यादा को दिखाता है ना, 50% को. तो अ फ्यू वर्ड होना चाहिए या फ्यू वर्ड्स होना चाहिए? अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना भाई, सहानुभूति के कुछ शब्द, ठीक है? आगे बढ़ जाएं. नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? थर्ड नंबर, थर्ड नहीं सॉरी, जो भी चल रहा है, फिफ्थ. ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या होगा? कह रहा है क्या? वो अपनी परेशानियों को महसूस कर रहा है उतना ही जितना कि वे महसूस कर रहे हैं, या बल्कि उससे भी ज्यादा. तो जब आप किसी को कह रहे हो ना कि मैं उतनी परेशानी महसूस कर रहा हूं जितने की ये महसूस कर रहा है, तो मैं कहूंगा एज मच एज, उतना ही. एज एज का सेंस उस सेंस में आता है. तो और वैसे भी देखो, मैंने सो एज का पेयर बताया था, एज एज का एज और का कोई पेयर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना? तो ही फील्स हिज ट्रबल एज मच एज आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स. सिक्स में क्या हुआ? क्या आएगा फिर? देखो सुनो, हम ना सुनो, ध्यान से सुनना ब्रो, सेम फॉर्मेट में रखते हैं. देखो मोर देन यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, दूसरी बात यहाँ पे जेरेंड फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग. जिस फॉर्मेट में आ गया उसी फॉर्मेट पीछे रखा जाएगा. देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव. क्या होगा बताइए? मैंने नहीं आएगा. क्या आएगा फिर मैंने किया पे? क्यों? ठीक है ना भाई, ट्रैफिक क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. ट्रैफिक क्या? अनकाउंटेबल. तो उसके साथ हम लोग मच का यूज करें, क्योंकि मैनी का प्रयोग तो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, वो भी प्लोरल सेंस में. अगला नेक्स्ट कह रहा है क्या? द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होडेड शुगर इन हिज शॉप. शुगर को किसमें रखते हो आप लोग? काउंटेबल में कि अनकाउंटेबल में? क्यों गिन नहीं सकते ऐसे दाने, एक दो तीन चार? हैं, शुगर को अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है. और जब कोई चीज का गाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके साथ लार्ज नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि नंबर तो काउंटेबल के साथ आता है. लार्ज क्वांटिटी कर सकते हो आप लोग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ होडेड. होडेड शुगर मतलब
जो होल्ड करके रखा गया, मतलब कि इकट्ठा करके ब्लैकमेलिंग वाला है ना, वो रखा गया। आगे देखने की अगर आपका एट्थ नाइन्थ, एज ए ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, बताइए। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में क्या लिखा हो, आई ओ आर आता है, उनके बाद प्रेपरेशन टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी और का। नेक्स्ट इज वन ऑफ द टू ग्रेट सिटीज ऑफ, वन ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट, कह रहा है। फार्मर थोड़ी है, किसान की बात कर रही है भाई। क्या आएगा, बिगर आएगा। कितने लोग हैं भाई, कितनी सिटीज हैं यहाँ पे, दो लोगों के बीच में क्या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है क्या, दो लोगों के बीच में हमेशा कंपैरेटिव। फॉर्मर का मतलब पहले वाला है ना, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब बाद वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन में 11। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू कस्टमर्स। देखो सुनो, कह रहा है क्या, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब आ गई सिंगुलर, इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, किसके सिमिलर टू अ बैंक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग, ये विशेषता बताने के लिए हमें यहाँ पे एड वो चाहिए, एक्चुअली सिमिलरली नहीं आएगा, सिमिलर टू अ बैंक आएगा। ठीक है, हमें एडवर्ब की आवश्यकता है ना कि एडजेक्टिव की, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आता है, नाउन उसके बाद नहीं है, है ना। और अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ही इज सिमिलर टू मी, ही इज सिमिलर, सिमिलरली थोड़ी लिखूंगा मैं, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ तो गलत है ये, है ना भाई, है ना। अगर यहाँ पे वर्ब की विशेषता बतानी तो हमें एडवर्ब चाहिए, सिमिलर लगाऊंगा ना कि सिमिलरली लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता है हमें। एवरी वन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ द ऑफ इंडिया। ये तो हमने क्लास में भी किया था, सेम सेंटेंस किया था। देखो सुनो, हाँ देखो, कभी भी याद रखना, अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है ना तो वो फिर ऑल ऑल का प्रयोग नहीं करता, वो ऑलरेडी होता है, ठीक है ना, या अदर को हटा दो, ऐसा कर लो, ऑफ अदर को हटा दो आप लोग, है ना, ऑल को रहने दो, यहाँ पे ऑल का यूज, ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ द, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऑल द रिवर्स कर सकते हैं। अगला, कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट एज हिज पेरेंट्स were expecting guests, क्या होगा बताइए। Nearing, nearing होगा नहीं होगा, क्या होगा फिर, हाँ nearest हो सकता भाई, या nearby हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि nearing कोई word क्या है, nearing हमें तो देखो grocery store हमारा noun है, और नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, ये एडजेक्टिव एक्चुअली, ये जो नियरिंग है ना ये एक्चुअली वर्ब है, हमें वर्ब की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगला,
While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it. देखो सुनो, कभी भी एडजेक्टिव का आपको देखना है तो आप देखो नाउन से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना. कोलेट्रॉल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नाउन है बेसिकली हमारा, और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, ये एडवर्ब है. तो यहाँ पे सफिशियंट आएगा, सफिशियंट कोलेट्रॉल 15 नंबर. ऑल दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली एवरी वन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग. हाँ जी, हाँ, स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियर होगा यहाँ पे क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए, और सॉरी हमें एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पे ये एडवर्ब है. अगला, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लास. ऑल्सो नहीं आएगा. देखो सुनो, ये लास्ट ही रूल था जो हमने किया था, शायद सेम एग्जांपल किया था. अगर एंड से चीजें जुड़ी हुई है ना, तो एंड के पहले जो डिग्री है, कौन सी डिग्री एंड से पहले? सुपरलेटिव डिग्री है. तो एंड के बाद भी हम लोग क्या करेंगे? कंजंक्शन से हमेशा सेम डिग्री को ऐड किया जाता है. अगर कंजंक्शन से पहले सुपरलेटिव है तो कंजंक्शन के बाद भी सुपरलेटिव, कंजंक्शन से पहले अगर कंपैरेटिव है तो कंजंक्शन के बाद भी कंपैरेटिव, ऐसे चलता है. अगला, नेक्स्ट क्या कह रहा है? Having been found guilty of the theft, Sunny was sentenced to 5 years imprisonment. चोरी का दोषी पाए जाने पर सन्नी को जो है वो 5 साल की सजा हो गई. बोलिए, 5 साल की सजा हो गई. देखो सुनो, कभी भी याद रखना, किसी भी वैल्यू या कोई भी मात्रा बताने वाले शब्दों के साथ हम लोग 5 साल की सजा ऐसे नहीं लिखी जाती है, 5 ईयर इम्प्रिजमेंट ही लिखा जाता है, ठीक है ना? तो 5 ईयर इम्प्रिजमेंट होता है. आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, लिखा हुआ है गाइस. क्या करेंगे इसका बताइए? Punished offense. सुनो ध्यान से आप लोग, ये ऑफेंस है गाइज. ऑफेंस क्या है? देखो सुनो, एक ना सीधा सा फंडा है. व्हाट का अगर आपको जवाब मिले ना, क्या है, तो ऑफेंस है. तो व्हाट का आंसर मिले, Whom का आंसर मिले और हु का आंसर मिले, तो वो सारे शब्द नाउन होते हैं, ठीक है ना? जैसे मालूम होगा राम इज प्लेइंग, तो हु इज प्लेइंग, तो राम क्या है? नाउन है, ठीक है ना? आई एम स्लैपिंग हिम या हर, आई एम स्लैपिंग हर, ठीक है ना?
तो whom I'm slapping, her, तो ये भी क्या है, नाउन के सेंस में आ रहा है, ठीक है ना। और अगर what आ गया है, I am doing what, I am reading, तो ये भी क्या है हमारा, नाउन हो गया। तो कभी भी ये ऑफेंस, ये क्या है आपका, नाउन है, है ना, व्हाट ऑफेंस, ठीक है ना। और ऑफेंस नाउन से पहले क्या आता हमारा, एडजेक्टिव। और ये पनिशेबल होगा ना कि पनिश्ड होगा, पनिशेबल ऑफेंस होता है गाइस, ना कि पनिश्ड ऑफेंस होता है। कॉर्पोरेट लाइफ में जो जॉब करते हैं उनके जीवन में ना 20,000 की सैलरी के अलावा, 20-25,000 30,000 की सैलरी के अलावा, एक वो इनके जीवन में बस ये खुशी रहती है कि नेटफ्लिक्स देख लिया, कोई नई वेब सीरीज देख ली, बस इनके जीवन में से ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ी ऑफिस में खराब खराब लैंग्वेज की बातें कर ली, है ना, जैसे जनरली हम बातें करने से बचते ना, तो उनके लिए ये सब वर्ड जो गाली गलौज थोड़ा सा कॉर्पोरेट लाइफ में बड़ा ही सिंपल हो जाता है, मतलब कि वो देते हैं, वो आप लोग भी शायद दोगे और आप में से कई लोग देते भी होंगे, जैसी बात है मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, बिल्कुल सही बात है भाई। द के साथ अगर एडजेक्टिव लगता है तो वो उसको वो कैसा रहता है, हमेशा सिंगुलर, और वो पूरी पूरी प्रजाति को बताता है, है ना, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, ठीक है। आगे बढ़े, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी गाइस, व्हेनेवर अ नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव इट विल बी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। कोई स्पोकन वाला बंदा इस बात को मानेगा नहीं शायद, लेकिन हमें सो कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अगला, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन है राइजन दिस ईयर बाई एज मैनी एज 50%। क्यों पूछता है भारत, क्यों कह रहा, सुनो ध्यान से, कह रहा है क्या कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो 50% से क्या हो गए, लेकिन किसके 50%, अगर अपना इंस्टीट्यूशन है तो 10-20 बढ़ गए होंगे, अगर कोई IIT कोई IIM है तो हो सकता है 50,00,000-2,00,000 बढ़ गए होंगे, समझ रहे आप लोग। तो ये कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो जब क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है तो हम, ठीक है ना, एज मच एज का यूज करते, क्योंकि ये 50% किसके हिसाब से, यस नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन है राइजन दिस ईयर बाय, ये तो हो गया ना, 2 lakh ऑफ पीपल, नहीं गाइज, या तो 2 lakh पीपल कर लो, या अगर आपको ऑफ लगाना था लैक्स ऑफ पीपल कर लो, ठीक है। अगर देखो किसी नाउन से पहले कोई नंबर दे रखा है तो बीच में ऑफ का यूज हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा अगले बैचेस को। आगे बढ़े, नेक्स्ट 23 नंबर, मच्छर बैठा हुआ है क्या, हाँ जी, कह रहा है क्या, दीज शॉर्ट ऑफ मेन अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक सो दे डू नॉट डिजर्व एनी अप्लॉज। बोलो, शॉर्ट का मतलब टाइप, दीज टाइप ऑफ मैन ऐसा कह सकता हूं। अब एक बात बताओ मुझे, पहले ये बताओ दीज आता कहां पे है भाई, जो पास में होता है, सिंगुलर की प्लोरल, प्लोरल, तो यहां पे शॉर्ट आएगा या शॉर्ट्स आएगा, दीज टाइप आएगा या टाइप्स आएगा, है ना, तो भाई दीज शॉर्ट्स आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ही पार्ट एक तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट। यस, देखो एग्स तो मैं नहीं हो सकता, बट मिल्क के लिए क्या आएगा, मच आएगा। होल द चैप्टर नहीं गाइस, द होल चैप्टर होगा, ठीक है ना। होल द चैप्टर नहीं होगा, क्या होगा, नेक्स्ट इज हर लॉन्ग ब्लैक। देखो सुनो, पहले साइज, फिर शेप, फिर कलर, है ना भाई। तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है ना। वो जो हमने लिखा था, क्या हमने लिखा था, वो सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, तो उसमें पहले हम लोग साइज, फिर शेप, फिर कलर, फिर इमोशन, फिर नेशनैलिटी, एंड देन मटेरियल नाउन वी हैव टू यूज। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, लॉन्ग शार्प नाइफ। यहाँ भी साइज आएगा पहले, फिर शेप आएगा, तो लॉन्ग शार्प नाइफ हो जाएगा। अगला, आई सॉ एन एंग्जियस पेल गर्ल। अब देखो ध्यान सुना आप लोग, पेल का मतलब येल्लो होता है, दो तीन मतलब होते हैं इसके, ठीक है ना। एक तो येल्लो होता है, ठीक है ना, और एक होता है बकेट, BUCKET, बकेट, समझ रहे हो आप लोग, बकेट वो बाल्टी वाला बकेट, ठीक है ना। ये आया हुआ सिनोनिम भी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखो, ये कलर है और ये इमोशन है। एंग्जियस का मतलब क्या होता है, चिंतित होना, तो पेल एंग्जियस गर्ल होगा ना कि एंग्जियस पेल गर्ल होगा। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, फार्दर होगा, दूर की बात कर रहा है भाई, फार्दर होगा ना कि फर्दर। फर्दर का क्या होता है, हाँ आगे, फर्दर नेक्स्ट, नेक्स्ट थोड़ी है, दूर है, यहाँ पे दूर की बात हो रही है। अगला नेक्स्ट, दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रेफरेबल देन That its printing is also comparatively good. प्रेफरेबल के बाद क्या आएगा यहाँ पे, टू। कैन यू ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर, नहीं लेटेस्ट न्यूज ऑफ द आवर। हालांकि यहाँ पे लास्ट गलत नहीं है, बट SSC के अकॉर्डिंग सही नहीं है। एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ द कॉलेज। राधा इज द, देखो सुनो, मोस्ट और यूनिक एक साथ नहीं आ सकते, है ना, गलत है ये। यूनिक वर्ड एक ऐसा है जिसके साथ क्या नहीं आता, सुपरलेटिव भी नहीं आता है, तो नहीं लगाएंगे हम तो, नहीं मांगे थे तो नहीं मिलेगा। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, the largest will be his profit. द प्लस में सीडी वाला कंसेप्ट है ना भाई। द प्लस में सीडी लग गया, सब्जेक्ट वर्ब लग गया, फिर आगे देखो, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। जितना वो अपने काम को जल्दी करेगा, उतनी ही जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। नेक्स्ट, ही डज नॉट हैव सम मनी, क्या आएगा, नेगेटिव के साथ देखो, सम वर्सेस एनी पढ़ा था याद है, ही डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई अगर वो नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है। सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम लोग एनी का यूज करते हैं। दो तीन रूल मैंने आपको लिखवाए थे, दो तीन, हाँ नहीं,
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अरे कौन सा करना है अब? दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटिफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर. दो लोगों के बीच में दो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना? तो ये कहना चाह रहा है कि दिस यंग लेडी इज एज ब्यूटिफुल एज बट नॉट सो कल्चर एज हर सिस्टर. तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ मोर ब्यूटी, यहाँ पे एज ब्यूटिफुल एज कर लेंगे हम लोग, कि भाई ये जो यंग लेडी है ये उतनी ही अच्छी दिखती है जितनी इसकी सिस्टर, लेकिन उतनी कल्चर नहीं है जितनी की, है ना? मतलब इसकी सिस्टर जो है ज्यादा कल्चर्ड है, और ये जब भी मुंह खोलती है, ठीक है ना, तो ऐसा पता चलता है कि ये गुटखा खाती है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर गाइज. यस, कोल्डर एंड कोल्डर. ध्यान, एक ही सिचुएशन को उसी की सेम प्रीवियस जैसे कंपेयर करें ना. He is becoming wiser and wiser day by day. ठीक है, तो जितनी ज्यादा अब ये wiser से wiser क्यों हो रही है? आज जितना पढ़ी कल उससे ज्यादा पढ़ी, तो अपने ही खुद से comparison में ये ज्यादा wiser होते जा रही. तो ज्यादा ठंड होगी कल, परसों ज्यादा ठंड होगी, तो previous day के comparison में ऐसा चलता रहता है. This photograph was comparatively better. गलत बात guys. Comparatively ये CD के साथ हम लोग comparatively word नहीं लगाते, ठीक है ना? बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट. राम इज एज गुड एज. Ram is as good as if not better than they. 38. हाँ भाई, देखो फिर से वही तो हो गया ना, दो के बीच में कंपैरिजन वही चीज. As good as, देखो सुनो, ये as good as वाला सीन यहाँ पे जैसे भी किया था यहाँ पे, आप कभी भी देखना अगर एक हिस्सा नेगेटिव है तो आगे वाले को आपको क्या कर देना है? नॉर्मल पॉजिटिव कर देना, कंपेयर करा देना. तो राम उतना ही अच्छा है जितना कि वे, लेकिन उनसे बेटर नहीं है, ठीक है ना? उतना तो अच्छा है लेकिन उनसे बेटर नहीं है ऐसा. अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है? गोपाल फेल्ट हैप्पीली. नहीं, गोपाल फेल्ट क्यों होगा? लेकिन हैप्पी क्या होता है भाई? हैप्पी क्या होता है ये बताओ. चलो अरे प्रभु, खुश होता है, हमें नहीं पता खुश होता है. पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है. और यहां पे जो फेल्ट लिखा है ये क्या चीज है? वर्ब को क्यों कौन क्वालिफाई करता है? तो तुम एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हो भाई? यस, तो सही लगा तो है सही, फिर तो क्या दिक्कत है? ये सही नहीं लिखा, फिर तो सही लिखा है. ये हमारा वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आपको याद नहीं है, दिक्कत ये है. अच्छा देखो, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब. तो ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन कुछ वर्ब जैसे वर्ब ऑफ सेंसेशन, टेस्ट, फील, सी, उनके साथ एडवर्ब नहीं क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, इसलिए लगा है. ये तर्क देना था, ये थोड़ी कि मैं पूछूं तो आपको कि सर आपने पढ़ाया था. आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आ जाओ. 40 नंबर पे क्या कह रहा है? 40 कौन सा करना अब? 40 इज कंपैरेटिवली वीकर. नहीं आएगा आपको पता ही है, अगर वीकर दे रखा तो कंपैरेटिवली वर्ड को हम हटा देंगे, ठीक है ना? मैनी अ बॉयज आर एब्सेंट टुडे. बताओ भाई बताओ, ये नहीं आएगा. ये प्रभु, मेरा मन कर रहा है मैं कूद जाऊं, है ना, यहां से वहां.
क्या मैंने के बाद ए नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? आपका नाम है रंजना? हाँ रंजना, आर से बस यार याद था मुझे, रंजना का भाग्य भूल गया। हाँ बताओ रंजना क्यों नहीं होगा भाई? रंजना का नया रूल है, मैंने के बाद अगर ए और एम दिख जाए तो आप ही ने तो कहा कि हटा दो। वो सही लग रहा है। नहीं, क्योंकि आपने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट रिवाइज नहीं किया। मैनी के बाद अगर डायरेक्ट कोई नाउन आ रहा है तो वो प्लोरल आएगा, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स। अगर मैनी के बाद ए या एन आ रहा है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बॉयज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? कर लो, उसी पार्ट में तो है, कर लो, बी पार्ट में तो एरर है। एक करेक्शन ये हो सकता है कि आप इस पार्ट में गलत कर दो, लेकिन प्रॉब्लम हमें इससे, तो हम इसी को हटाएंगे, इसको नहीं हटाएंगे। किसको? इसको कुछ नहीं आएगा, मैनी बॉय फिर तो सही हो जाएगा ये। हाँ लेकिन एक बार बताओ, मैं इसको क्यों हटाऊं? मैं हटाऊंगा उसको जिससे देख के मुझे दिक्कत हुई है। मैनी ए तो इंग्लिश में होता है ना, तो होता है तो दिक्कत किससे हुई है? बॉय से, तो यही हटेगा फिर, है ना? तो मैनी अब बॉय आएगा यहाँ पे, ज्यादा बेटर है। फोर्टी सेकेंड नंबर, ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सुनर और लेटर। ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सुनर और लेटर, बताइए। भाई जो ईमानदार लोग होते हैं उनको आज नहीं तो कल इनाम मिलता ही मिलता है। ये किसी एक ईमानदार की बात हो रही है, केजरीवाल की, या पूरे दुनिया के जितने ईमानदार है सबकी बात हो रही है? और दुनिया के जितने ईमानदार की अगर बात हो रही है तो वो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है ना, तो उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? द। अब ये पूरी जाति को बता रहा है, द ऑनेस्ट का मतलब हो गया दुनिया के जितने, ठीक है ना? केवल केजरीवाल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है ना? केजरीवाल आएंगे, मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल आएंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ जाए, माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। यस, ऑल माई हो जाएगा, ये तो लग रहा छप गया है दिमाग में, प्रोनाउन का था ये वैसे ही। He is wiser enough to understand your trick. बोलो क्यों? इनफ क्या? टू के बाद तो वीवन ही आता है, तो सही लिखा हुआ है। क्यों होगा? मैं पूछना रीजन बता दो तो मैं तो लिख दूंगा। आप यहां पर वाइजिंग बोलोगे, मैं वाइजिंग लिख दूंगा, रीजन होना चाहिए बस। इसके अलावा कि सर आपने बताया था, देखो सुनो, इनफ वर्ड हमने शायद पढ़ा होगा, इनफ के पहले अगर कोई डिग्री आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है। ही इज वाइज इनफ होगा। अगर इनफ से पहले कोई डिग्री आ जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इनफ के साथ कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? रामायण इज मोर सेक्रेट देन ऑल द अदर माइथोलॉजीज ऑफ हिंदू। अच्छा ऑल, देखो सुनो, रामायण क्या है? एक सेक्रेट बुक ही तो ना, धार्मिक पुस्तक है, तो क्या इसका कंपैरिजन सेम ग्रुप में हो रहा है? माइथोलॉजिकल बुक है ये, तो सेम ग्रुप में ही हो रहा है ना? तो अगर सेम ग्रुप में होता है तो अदर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑल द अदर माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज होगा। अगर सेम ग्रुप में हो रहा है तो अदर का प्रयोग होता है, अगर डिफरेंट ग्रुप में होता है तो अदर का प्रयोग नहीं करते। अगला नेक्स्ट, ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। ये तो पढ़ चुके हम लोग, टाइम एंड टेंसेस। ही ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ
बोलो कुछ तो बोलो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग भाई, बातें नहीं करो। सुनिए, मैं रंजना के घर जाता हूँ, ठीक है, इन्होंने मुझे चाय दी जिसमें से भाप निकल चुकी थी, स्टीम निकल चुकी थी। जब किसी वर्ब में ईडी लग जाता है ना तो वो काम खत्म हो जाता है, और जब काम खत्म हो जाता है तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो अगर खत्म हो जाते तो वो उनको कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो, शी ऑफर्ड मी अ स्टीम्ड कप ऑफ टी, तो कप ऑफ टी में से स्टीम तो क्या हो गया, निकल गया, तो क्या फायदा ऐसी चाय का, ठंडी चाय पीऊं मैं, शरबत है ना। तो उसमें से चाहे भले ही ये एक्शन पास्ट में हो रहा है क्योंकि शी ऑफर्ड मी, ये पास्ट में ही तो है, बट स्टिल हम स्टीमिंग कप ऑफ टी बोलेंगे, ये कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा क्योंकि आईएनजी आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्टीमिंग कप ऑफ। तो देयर आर सम वर्ड दैट विल ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, उनमें हमेशा ही आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, है ना। इसका एक और एग्जांपल दिया था मैंने, क्लाउन वाला, क्लाउन का है ना भाई, कि वी ऑल वेंट टू मेट्रो वॉक एंड वी सॉ द क्लाउन्स परफॉर्मिंग देयर एक्ट होगा, ना कि परफॉर्म देयर एक्ट होगा, क्योंकि अगर परफॉर्म कर चुका तो हमने देखा क्या फिर। और इसके अलावा आई कॉट हिम या आई कॉट हर वाइल्ड स्टीलिंग, सब तो याद है तुम लोगों को, पर जवाब नहीं आ रहा बस, है ना। एग्जाम्पल तो याद है, बस एक बार पढ़ लोगे ना तुम लोग तो धन्य हो जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तुम लोग तो क्या ही धन्य हो गए, मैं ही धन्य हो जाऊंगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा, 47 पे आ जाओ। प्रभु जाने की कितना पढ़ रहे हो तुम घर पे। आई विल बाय द बुक वेन द रिवर वेन द रिवाइज एडिशन होगा। हाँ यस, एडिशन हमेशा रिवाइज ही होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है जो हमेशा ईडी फॉर्मेट में आता है। ही रैन सो फास्ट होगा गाइज, नॉट फास्टली होगा, वो उतना तेज दौड़ा दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस नहीं होगा, एम ए नहीं होता, नहीं सही तो लिखा है, एम होता है ना भाई, एम ए नहीं होता, एम तो सही लिखा हुआ है। देखो सुनो, मंथली एक्सपेंसेस में ना ऑल अपने आप ही आ गया ना, जब आप बोलते हो कि माई मंथली एक्सपेंसेस तो उसमें सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो ये जो ऑल लिखा है यही सुपरफ्लूअस है, इसकी जरूरत नहीं हमें। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, आई एम मोर लोनलियर हेयर देन आई वॉज इन यूएसए। देखो लोनलियर क्या आपका कंपेरेटिव डिग्री, तो मोर भी क्या आपका कंपेरेटिव डिग्री। वी विल नॉट यूज टू कंपेरेटिव डिग्री साइमल्टेनियसली, है ना, दो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं किया जाएगा। टू मी इट अपियर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट ही तो है, उसकी तुलना दूसरे सब्जेक्ट से हो रही है, तो ऑल द अदर होगा क्योंकि सेम ग्रुप में अदर का प्रयोग किया जाता है। अगला 50 सेकंड क्या कह रहा है आपका, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन, ये अखबार की बात कर रहा है एक्चुअली, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर होगा गाइस। सेम ग्रुप में अदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग खोल लो शीट वोकैब की, क्या चल रहा था आप लोगों का, पानी पिलाओ यार, सुबह सुबह छोले खिला दिए। My God,
कितना करना है? वन वर्ड से कहां से शुरू? हाँ जी, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसे ना आक्रोश को कहते हैं, इंडिग्नेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर केप्ट, जहां पे अनाज को रखे देते हैं उसे ग्रेनरी कहते हैं ना। इंडस वैली में आपने पढ़ा होगा कि बहुत बड़े बड़े अन्नगार मिले। अन्नगार का मतलब क्या? ग्रेनरीज, मतलब कि जहां पे अनाज रखते थे वो लोग स्टोर करके। आप में से बिहार से कोई नहीं है? अच्छा बिहार में क्या होता है, यूपी में भी कहीं ना कहीं होता होगा कि ना एक 6 फुट या 7 फुट की ना एक ना संदूक सा बना देते हैं मिट्टी का, जिसके वॉल इतने मोटे मोटे होते हैं, उसमें गेहूं स्टोर कर देते हैं। ठीक है ना, और वो बहुत ठंडा भी होता है, हाथ डालोगे ना अंदर बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, अगला, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। ठीक है, डेलिजेंट का मतलब गाइस हार्ड वर्किंग होता है। डेलिजेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा क्या हो, इंडस्ट्रियस हो। हार्ड वर्किंग को हम लोग और क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्रियस कह सकते हैं। इंडस्ट्रियस याद रखना आपको। नेक्स्ट इज causing great damage or suffering guys, catastrophe, प्रलय। ठीक है ना, catastrophe का प्रलय, प्रलय जब आता था बहुत ज्यादा क्या होता है, डैमेज होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो यही हो जाएगा इसका, catastrophe हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, a strong feeling of dislike towards other guys, antipathy। एंटी का मतलब ही विरोधाभास होता है, एंटीपैथी मतलब घृणा के सेंस में एक तरह। जैसे एंटी वर्ड जहां पे आ जाएगा ना, समझ जाना आप लोग की कुछ है, जैसे कि एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीसेप्टिक। ठीक है ना, ये चीज है। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे गाइज, अनक्लियर मतलब कि मतलब अस्पष्ट बात करना, क्लियर बात ना करना, उसको कहते हैं। तो क्या क्या हो सकता है बेटर ऑप्शन आपके हिसाब से? इसका गार्ब्लेड हो जाए, क्या हो जाएगा इसका? गार्ब्लेड का ना अस्पष्ट होता है, अनक्लियर होता है, जो साफ साफ बात ना करे, घुमा फिरा के बात करे। सरकम लोक्यूट भी कहते हैं, जो घुमा फिरा के बातें करता है, और जो स्पष्ट बात करता है ना उसको हम क्या कहते हैं? लूसिड कहते हैं, ये स्पष्ट की बात करना है। समथिंग हैपनिंग बाय चांस, कोई ऐसी चीज जो क्या हो जाए, सेरेंडिपिटी होगा इसका। ठीक है ना, मतलब बाई चांस हो जाए कोई चीज जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो। ठीक है ना, तो वो चीज। 42 मतलब मजबूत करना, 45 मतलब कि मजबूत करने के सेंस में होता है, धैर्य भी हो सकता है फोर्टीट्यूड का। ठीक है, एक फॉरफिटेड भी होता है, कॉमर्स वालों को पता होगा, शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है कंपनी के द्वारा। अगला, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट गाइस, इसको कहते हैं नीरस, मोनोटोनस। आप में से हो सकता है कि जिनका इंटरेस्ट इंग्लिश में ना हो, ठीक है ना, तो वो हम नीरस नीरस बैठे होंगे इंग्लिश में बेचारे, जैसे तैसे टिक कर रहे हैं, जी रहे हैं जीवन अपना। ठीक है ना, और जिसका इंटरेस्ट होता है वो मोनोटोनस नहीं होता है ना। अच्छा, मोनोटोनस का मतलब नीरस होता है गाइस, जिसको इसमें कुछ रस ना मिले, इसको हम लोग बनाल भी कहते हैं। बनाल का मतलब भी क्या होता है? बोरिंग होता है। बनाल का मतलब क्या होता है? बोरिंग होता है। ठीक है, ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? उदास, बोरिंग सा है ना। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है? उदास होता है, बोरिंग होता है। बनाल का मतलब भी सेम ही होता है, ग्लूमी का मतलब सैड।
सैड तो वही होगा जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा। टीडीएस भी कह सकते हैं, TEDIOUS। नेक्स्ट इज समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, कोई ऐसी चीज गाइस जो आपको निराशा क्रिएट करे, अपॉलिंग होगा, ठीक है, अपॉलिंग होता है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत ही लंबे समय तक चले, है ना, उसको हम लोग इंटरमिनेबल कहते हैं। इंटरमिनेबल मतलब अनंत होता है, इंटरमिनेबल क्या होता है आपका, अनंत। हाँ, इनसेटिएबल होता है, जिसको संतुष्ट करना क्या हो, मुश्किल हो, तो उसे आप याद रखना। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग गाइस, स्प्लेंडेड एंड, है ना, इसका समझो हो जाएगा, शानदार को कहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जो बहुत ही अच्छा दिखे आपको, बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड का भव्य होता है। स्प्लेंडेड का क्या होता है, आपको पता है कि कैलेंडर का आठवां महीना होता है अगस्त, अगस्त का मतलब भी भव्य होता है, शानदार, AUGUST, अगस्त का मतलब भव्य होता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाए, सीमिंग रीजनेबल गई, ऐसी कोई चीज गई जो बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा हो आपको, लॉजिकल दिख रहा हो या आपको रीजनेबल दिख रहा हो, तो उसको कहते हैं हम लोग, इसको प्लॉजिबल कहते हैं, मतलब तार्किक, तार्किक मतलब रीजनिंग हो जिसमें, लॉजिक हो जिसमें, वो। फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड क्या, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है, पायरोफोबिया क्या होता है, आग से होता है, ठीक है ना, पायरो का मतलब आग होता है। द डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ ए क्लासिकल म्यूजिक, बताओ क्या होगा भाई, वो अपने देखा हो किसी शो में, ऐसे एक बंदे का स्टिक होती है, वो यूं यूं करता रहता है, है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैस्ट्रो कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज। नोविस का मतलब क्या होता है गाइस, नोविस का मतलब जिसके जो ग्रीन हॉर्न होता है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अ डोम शेप शेल्टर, देखो सुनो, आपने बर्फ में देखा होगा ऐसे घर होते हैं, ऐसे वाले देखा आपने, इग्लू, है ना, इग्लू, देखो सुनो, इन घरों को इग्लू कहते हैं, क्या कहते हैं इन घरों को जो बर्फ में होते हैं, इनका शेप ऐसा क्यों होता है, ताकि ठंड जो है वो कम से, क्योंकि एंट्री के लिए बस एक ही होता, खिड़की विड़की नहीं होती इसमें, और जो इसमें जनजातियां रहती हैं उसको स्कीमो कहते हैं, स्कीमो जनजाति इसमें रहती है, ठीक है ना, वो चीज। आगे बढ़ जाए, साइंस विच स्टडी द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्या, ठीक है ना, ये तो प्रोफेशन पे पर्सनल अटैक था ये। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेपवाइन्स इज कॉल्ड क्या, विटिकल्चर, अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं गाइस, सेरिकल्चर रेशम का कीट, रेशम का पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, ठीक है ना, बहुत सारे कल्चर है, कल्चर का मतलब खेती की बात हो रही है। A room where medicines are kept, prepared and provided. क्या होगा? Dispensary. अब तो खैर dispensary में बनाते नहीं है, prepare नहीं करते हैं, but बेचते हैं, लेकिन वही रहेगा, ठीक है। अगला next से क्या कह रहा है आपका? Dispensary की spelling देख लेना, कभी जीवन में काम आ जाए, पता चला। The science dealing with the X-rays and other high energy radiations. क्या हो जाएगा अगर इसका? Radiology हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियोलॉजी हो जाएगा। फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया, एक्रो का मतलब हाइट होता है, है ना, ऑटो का मतलब जो ऑटो में डर लगे, नहीं क्या होता है ऑटोफोबिया, कई लोगों को तो अकेले सोने में भी डर लगता है, जैसे पेरेंट्स होने चाहिए, कोई घर में को होना चाहिए, है ना, अगर चार लोग बाहर चले जाएं तो बस हालत खराब है, ठीक है ना, तो ऑटोफोबिया मतलब अकेलेपन का भय, है ना, कि अकेले में ही भय लग रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अच्छा, ज़ेनोफोबिया, ये होता है विदेशियों का डर,
एक जेनोमेटा भी होता है, विदेशों से लगाव के लिए होता है। और जू फोबिया क्या होता है, जब सर में जू हो जाते हैं ना उसका डर होता है, मोटे मोटे। फिर आप वो लगाते हो, वो वाला तेल लगाते हो, कौन सा तेल आता है एक जू मारने के लिए आता है ना, ग्रीन कलर का होता है। नहीं, जू का मतलब एनिमल्स की बात हो रही है, जूलॉजी है ना, जीव विज्ञान को दो हिस्सों में बटा हो गया है, एक प्लांट किंगडम और एक है ना, तो एक जूलॉजी एक बायोलॉजी वाला वो सेंस है ना। द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल गाइज, इंटीग्रिटी है ना भाई, सच्चाई सफाई और पवित्रता है ना, कुलचे की दुकान पे तो ये लिखा रहता है सच्चाई सफाई और पवित्रता, वही वही सच्चाई की बात कर रहा है, इंटीग्रिटी की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। कॉजिंग नो हार्म गाइज, कॉजिंग नो हार्म, इसका इनोकुअस हो जाए, क्या हो जाएगा इसका इनोकुअस हो जाएगा। इनोकुअस का मतलब क्या होता है आपको पता है, जो अहानिकारक हो, ठीक है ना। एक सेकंड नंबर पे एक वर्ड लिखा गया इनऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक, पहले तो ऑर्गेनिक बताओ तब इनऑर्गेनिक बताओगे ना, व्हाट इज ऑर्गेनिक। ये दुनिया भगवान ने बनाई है ऐसा, आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड दिस, वेट अ मिनट, ये दुनिया किसने बनाई है ऐसा कहा जाता था, लेकिन इस बात को सबसे पहले चैलेंज किया था डार्विन ने। डार्विन ने तो ना आप लोग वही जिसने वो मटर के दाने पे प्रयोग किया है ना, और वो सब मैं बताया, उन्होंने कहा दुनिया भगवान ने नहीं बनाई है, दुनिया जो है ये दुनिया भरी पड़ी है इन ऑर्गेनिक एलिमेंट से। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया गाइस आपका जो ऑर्गेनाइज्ड है, और इनऑर्गेनिक मतलब कि जो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये दुनिया जो है वो आपका जो कार्बन जो है ना उससे बनी पड़ी है, बहुत सारे कार्बन से अलग अलग। अगर ऑर्गेनाइज हो गया तो शरीर बन गया, ऑर्गेनाइज हो गया तो वाटर बन गया, ऑर्गेनाइज हो गया तो एयर बन गया, ऑर्गेनाइज हो गया तो फायर बन गया। भगवान ने नहीं बनाई है, ये चैलेंज किसने किया, डार्विन ने सबसे पहले चैलेंज किया था। तो इसने जो कैथोलिक होता है, चर्च जो होता है, उसकी थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया, मतलब कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है, ठीक है ना। तो इस तरह की ये फिलॉसफी की बात है, फिलॉसफी बहुत ही इंटेलेक्चुअल मैं हल्के में लेता था, लेकिन कुछ दिनों से जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुझे बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट लग रहा है फिलॉसफी, बहुत ही तगड़ा, मतलब ये आपको इंटेलेक्ट बना सकता है, आपको बुद्धिवान बना सकता है, बहुत ज्यादा बुद्धिवान बना सकता है, आपको इस बात के ऊपर लाके खड़ा कर सकता है ईश्वर है कि नहीं है, कि क्या चल रहा है जीवन में, ठीक है ना, ये चीज है। तो सबसे पहले यही, तो इनऑर्गेनिक का मतलब इनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनिक का मतलब जो ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, ये चीज है। आगे की बात कर जाए, नेक्स्ट इज कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, इसको हम कहेंगे एटिक्विटी बिहेवियर गाइज, शिष्टाचार। आप यहाँ पे आए गुड मॉर्निंग सर है ना, ये वो जाने वक्त भी आपने बोला, तो ये शिष्टाचार जो हमें सिखाया गया है, बिहेवियर है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है ना। यूं थोड़ी कि आते ही मेरे कंधे पे आते रहो भाई क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है आजकल, ऐसा सच काइंड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये तो एटिक्विटी नहीं है। अ डिसीजन विच कैन नॉट बी गो बैक गाइज, एक ऐसा डिसीजन जिसमें आप गाइज वापस नहीं जा सकते, इन इरिवोकेबल गाइज, स्थिर है, मतलब कि आप जा नहीं सकते। आपने क्या बताया था, इनविंसिबल गाइज, इनविंसिबल देखो अजय वाले के सेंस होते, जो हाँ इनविंसिबल, हाँ जी अजय, मतलब टू पावरफुल टू बी डिफीटेड टू ओवरकम है ना, जिसको हराना मुश्किल हो, अजय हो गए, अजय होने का वो मिलता था ना वरदान, तो वो तो जो जैसे मेघनाथ को मिल जाता अगर वो यज्ञ कर लेता बिफोर फाइटिंग विद लक्ष्मण, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट कह रहा है आपका द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट गाइज, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द फीलिंग ऑफ बींग अपसेट अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बींग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग गाइज, हाँ फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा इसका मतलब, बहुत ही ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ गाइज आपका फैसिनेशन, फैसिनेट, व्हाट इज फैसिनेटिंग, लुभावना, फैसिनेटिंग क्या होता है, मान के चलो कोई एक मिनट के लिए हिमांशु जाए, एक मिनट के लिए अगर न्योन कलर की पैंट पहन के आ जाए
है ना, यहाँ तक शर्ट खोल के आ जाए, दो चार प्लास्टिक वाले बैंड पहन के आ जाए, है ना, लाल बाल करा ले। मैं तो जब अभी संडे को जब मैं बाहर गया हुआ था ना, आ रहा था, तो मैं ऑटो में बैठा, मैंने देखा एक आदमी ने ऐसी शर्ट पहनी जिसमें यहाँ पे शूज है और शूज के लेस है, और लेस बांधा है तो शूज मतलब शर्ट जो वो बन गई, उसमें शूज बना हुआ प्रॉपर एकदम, और उभरी हुई मतलब कि एम्ब्रॉयडर्ड है, उभरी हुई आकृति है, उसके जूते भी वैसे ही थे। मैं देखता हूँ रोड पे कभी कभी किसी किसी के जूते ना लाइट जलती है, तो मुझे लगता है कि दे प्रेफर टू गेट हाईलाइटेड, है ना, उनको अच्छा लगता है कि वो उनके ऊपर दुनिया की नजर जाए, ठीक है ना, तो वो चीज़ होता है। तो वही होता है यहाँ पे, ये फैसिनेटिंग का मतलब एक्सरसाइजिंग और कंपेयरिंग चार्म गाइस। हाँ चैरिस्मेटिक हो जाएगा, करिश्माई कहते हैं इसको हिंदी में वैसे, तो जो जिसके अंदर चार्म हो, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो एक तरह से, ठीक है ना। कौन सा करना हमने, ठीक है, हाँ इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट पे करेंगे। थैंक यू।